ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बचा लीजिए। मौत मेरा पीछा कर रही है, ये देखो किस बेरहमी से मारा लोगों ने मुझे, और देखो ये देखो। ये क्या चोर लगाया आप लोग? आपके घर में चोर घुसा है? चोर? हाँ, उसने भगवान की मूर्ति चुराई है। वो इधर ही आया है। हम उसके हाथ तोड़ देंगे, हम उसको जान से मार देंगे। भाई साहब, ये खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, मैं यहाँ बैठा वो काम कर रहा हूँ, ये चोर कैसे आ सकता? जरा सोचने वाली बात। मगर वो आया तो इधर ही है। इधर ही आया? हाँ इधर ही आया। अच्छा ठीक है ठीक, आइए अब देखिए। आप भी आई भाई साहब? हो सकता है वो बराबर के घर में गया हो। हाँ हो सकता है, चलो 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 चलो। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? शायद पिछले दिनों में मैंने कोई अच्छे कर्म किए, कि आप जैसे नेक इंसान की शरण मिल गई मुझे। मैंने तुम्हें लोगों से जरूर बचाया, लेकिन पुलिस से नहीं बचोगे। चलो थाने। थाने? सच मानिए मैं चोर नहीं हूँ। चोर ना होते तो इतनी रात को इस हालत में तुम यहाँ? धोखे का मार रहा हूँ, रात के अंधेरे ने मुझे चोर बना दिया। मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, पीछे से एक शोर सुनाई दिया। अचानक एक आदमी मेरे पास से भागता हुआ निकला, उसके हाथ से कोई चीज गिर पड़ी। जैसे मैंने उस चीज को उठाया, लोग आ गए और मुझे चोर समझकर पकड़ लिया। मैं लाख कहता रहा मैं चोर नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये पाप नहीं कर सकता, इस जनेऊ की सौ। लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया और मुझ पर टूट पड़े। क्या करता, मैं जान बचाकर भाग निकला। लेकिन इतनी रात गए तुम उस सड़क पर क्या कर रहे थे? मैं पिक्चर देखकर आ रहा था, ये रहा टिकट। क्या करते हो, कहां रहते हो, कोई तो तुम्हें जानता होगा? मैं इस दुनिया में अकेला हूं, यहां परदेसी हूं, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूं, नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया था लेकिन वो भी नहीं मिले। आपको मेरा विश्वास नहीं हुआ ना? मैं हुई बदनसीब, भगवान जिससे मुंह मोड़ लेते हैं उसका सच भी झूठ हो जाता है। चलिए चलिए, मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। नहीं दोस्त, शायद भगवान ने तुम्हें यहां इसलिए भेजा है कि बेगुनाह अन्याय से बच जाए। देखो मेरे दोस्त, देखो वो सब कुछ देख रहा है। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, ये हुस्नो इश्क का जहां, ये शोखियाँ ये मस्तियाँ, ये पर्वतों के काफिले, ये बादलों की ठोलियाँ, पूछती है मुझसे तू चला है किधर किधर किधर। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। इश्क बहारों से, इन रंगीन नजारों से,
मैंने चलना सीखा है दरिया के बहते धारों से। ये गुनगुनाती वादियां, ये फूलों भरी डालियां, ताज पहने बर्फ का ये जगमगाती चोटियां। पूछती है मुझसे तू चला है किधर किधर किधर, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, ला 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 ला, हे 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 हे, आहा हा। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, जीते रहो जीते रहो। सूरज आज सुबह सुबह इधर कैसे? चाची तुम्हारा आशीर्वाद लिए बिना मैं बैडमिंटन टूर्नामेंट कैसे जीत सकता हूँ? कब है? आज दोपहर को, तुम्हें चलना पड़ेगा। अरे भी मैं कहाँ जाऊंगी? फिर तो हमारी हार ही हार है चाची। अरे हार कैसे होगी, मैं मंदिर जा रही हूँ, भगवान से तेरी जीत की प्रार्थना करूंगी। चाची मैं तुम्हारी सहारे जी रहा हूँ, आज जो कुछ हूँ कल जो कुछ भी बनूंगा तुम्हारी बदौलत। तुम्ही ने लिखाया पढ़ाया, अपनी एस्टेट में नौकरी दे दी, आज तुम्हारा हाथ मेरे सर पर नहीं होता तो न जाने कहाँ से कहाँ होता। अरे पगले तू गैर है क्या? तेरे पिता और दीपक के पिता में सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार था। मेरा दीपक खोया ना होता तो आज तेरे बराबर होता। क्यों भाई केवल शर्मा, क्या है आज की ताजा खबर? वही कत्ल वही डाके, मैंने तो खबरें पढ़ना ही छोड़ दिया है। अच्छा, सिर्फ फोटो देख लिया करता हूँ। तो फिर किसकी फोटो छपी है आज? आनंदगिरी के बैडमिंटन चैंपियन की। आनंदगिरी के बैडमिंटन चैंपियन की? कौन है? सूरज प्रकाश। लिखा इनके पिता भी बैडमिंटन चैंपियन थे, स्वर्गीय कैलाश नाथ। क्या कैलाश नाथ? सूरज प्रकाश, सूरज जिंदा है? केवल सूरज जिंदा है, सूरज जिंदा है। जिंदा है? हाँ। क्या मतलब, तुम इसे जानते हो? इसे जानता हूँ, ये तो मेरे बचपन का दोस्त है। इसी के कारण तो मुझे घर बार छोड़ना पड़ा, माँ बाप होते हुए अनाथों जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी। केवल जो ये सब तुम देख रहे हो ना, एक मामूली सा कलाकार ही मैं नहीं हूँ। आनंदगिरी में हमारी करोड़ों की जायदाद है। करोड़ों की जायदाद है? हाँ। फिर आनंदगिरी छोड़कर तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो, ये माजरा क्या है? किस्मत की बात है दोस्त। एक दिन जब मैं 10 बरस का था, चिड़ियों का शिकार करते हुए एक बंदूक के छर्रे ने जिंदगी का नक्शा ही पलट दिया। कौन? सूरज! सूरज! क्या हुआ दीपक बाबू? सूरज! अरे सूरज! ये क्या? अरे आपने सूरज को गोली मार दी? नहीं नहीं, मैंने इसको गोली नहीं मारी, चिड़िया को मारी थी, इसको लग गई। क्या हुआ लक्ष्मी? क्या हुआ? पेट से गिर गया? नहीं नहीं, दीपक बाबू की गोली लग गई। अरे डॉक्टर, अरे ये तो मर गया। बोलू दीपक के पिताजी को बुला ला, और देखो सूरज के घर वालों को भी खबर कर देना, मामला बढ़ गया। एक ही तो बेटा था कैलाश बाबू का, उनका तो घर ही उजड़ गया। अपने मालिक का भी घर उजड़ जाएगा, अब पुलिस आएगी और दीपक को पकड़ कर ले जाएगी। ये क्या हो गया भगवान, हत्या हो गई, गजब हो गया सूरज, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? अरे केवल, तार तो दे दिया था ना? हाँ हाँ, अर्जेंट। वेरी गुड, तार देखकर मेरी माँ और पिताजी तो खुशी से बावले हो जाएंगे। इसमें क्या शक है? लेकिन दीपक, हाँ वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। क्यों?
इतना समय बीत जाने पर तो आदमी की शक्ल सूरत बिल्कुल बदल जाती है। और जब तुम भागे थे तो बच्चे थे, अब भरपूर नौजवान हो। माँ की ममता अपनी औलाद को जरूर पहचानेगी। और ये निशानी? निशानी ठीक है, और फिर सच्चाई को निशानी की क्या जरूरत है? तुम बेटे हो, हो। गाड़ी आने में कितनी देर बाकी है? बस 2 या 3 मिनट हैं चाची। आज तो समय ही नहीं बीत रहा। हरि और राम आए? जी वो खड़े हैं। फूल लाए? हाँ हाँ। आज 14 बरस बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है ना? दीपक? मैं दीपक। सूरज, सूरज। दीपक, दीपक, दीपक। माँ, माँ। बेटा। माँ। दीपक, दीपक। माँ, पिताजी कहाँ हैं? आखिरी सांस तक तेरी हीरा देखते रहे, तेरा ही नाम था उनके होंठों पर। चाची दीपक को हार पहना दीजिए। माँ। अरे दीपक। हाँ? मैं तो खुशी में पूछने भूल गया, तुमने मुझे पहचाना कैसे? तुम्हारी इस फोटो से। ये तो बैडमिंटन मैच की है। हाँ। इसको तो छिपे कई महीने हो गए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। लॉन्ड्री से कपड़े आए तो इसी अखबार में लिपट कर, जैसे खोई हुई तकदीर वापस आ गई हो। तुम जिंदा हो तो मुझे मर मर के जीने की क्या जरूरत? ओ क्या हुआ बेटे? बस ये माँ, बस ये दर्द हो रहा है माँ। करण जी। हाँ बंसी, छोटे बाबू के नहाने का पानी तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। रामकली जी, ऊपर वाला कमरा सजा दिया ना? जी हाँ। आज 14 बरस बाद मेरा राम अपने घर आया है। बेटा तेरे कदम आए, ये उजड़ी हुई हवेली फिर से आबाद हो गई। आओ बेटा, आओ मेरे साथ। चल बेटा, अपने पिताजी को प्रणाम कर ले। छोटे बाबू वो दादा हैं, पिताजी तो ये हैं। दादा पिता से बड़े होते हैं। ओ, कितने ऊंचे विचार हैं मेरे बेटे के मुनीम जी, कितने ऊंचे। जाइए मिठाई बंटवाइए, गरीबों को खाना खिलवाइए। आज इस शहर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जाइए मुनीम जी। बहुत अच्छा। बेटा आज तेरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई। शांति तो आज मुझे मिली है। गौरंग जी। हाँ। जाओ छोटे बाबू को ऊपर ले जाओ। जाओ बेटा तुम नहा धो लो और मैं तेरे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। अच्छा माँ। आइए। हैंड्स अप। मुजरिम पुलिस से भाग कर नहीं जा सकता, आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। वारंट? फांसी नहीं तो उम्र कैद की सजा जरूर मिलेगी। आपने खून किया है। खून? जी, हमारी चाची के अरमानों का खून किया है। बेचारे ने आपको कहां नहीं ढूंढा, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन। दीपक ये हमारे दोस्त दर्शन लाल, पुलिस इंस्पेक्टर, अपने मुनिम जी के लड़के। अच्छा अच्छा। यार तुमने हमारे दोस्त को नर्वस कर दिया। इस वर्दी की जात ही ऐसी है, शरीफ से शरीफ आदमी भी घबरा जाता है। क्या खराबी है मेरी वर्दी में?
पॉपलेन है। ओके ठीक है। मिस्टर दर्शन। यस सर। 27 फरवरी को 3 वारदातें हुई थी। जी हाँ, पूर्णा नदी में जो लाश मिली थी, पुलिस उसके बारे में छानबीन कर रही है अंडर माय डायरेक्ट सुपरविजन। गुड। उसी तारीख को एक आदमी किडनैप भी हुआ था। जी हाँ, पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। उम्मीद है हम जल्द केस के तहखाने में पहुंच जाएंगे। आठ? मेरा मतलब है केस के तह में पहुंच जाएंगे। स्लिप ऑफ टंग। जबान दुरुस्त कीजिए। हाँ, उसी 27 तारीख को एक नौजवान बहुत ज्यादा जख्मी हालत में रेल की पटरी पर पड़ा हुआ पाया गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि वो अभी तक बेहोश है। वैसे फेंकने वाले ने उसे अपनी तरफ से खत्म करके ही फेंका था। डॉक्टरों को उम्मीद है कि होश आ जाएगा। सूरज, मैं यह खूबसूरत गार्डन बनाना चाहता हूं। ख्याल अच्छा है दीपक। ये पेड़ याद है तुम्हें? पेड़ भी कोई याद रखने की चीज है क्या? कमाल है, जिस पेड़ ने तुम्हें घर से बेघर कर दिया उसे भूल गए। अरे हाँ, याद आया, ये वही मनहूस पेड़ है जिसने मेरी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दी। सूरज, इसे आज ही कटवा दो। क्यों? मैं उस दौर की कोई निशानी इस दौर में नहीं रखना चाहता। उस दौर का मैं भी तो हूं, इसीलिए तुम्हें भी बॉम्बे भेज रहा हूं। बॉम्बे? हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए। हमारी फर्म मेहताब राय एंड कंपनी को एक ट्रेंड आदमी की जरूरत है, और तुमसे बढ़कर अपना कौन हो सकता है ना? टैक्सी। देवी जी, ये टैक्सी मैंने रोकी है। जी नहीं, मैंने। सरदार जी, आवाज पहले मैंने दी थी ना? पहले मैंने इशारा किया था ना? तुम्हारा इशारा भी ठीक, तुम्हारी आवाज भी ठीक। साडा फायदा तो दूर दी सवारी च है। मुझे बांद्रा जाना है। मुझे भी बांद्रा जाना है। ये आपस में फैसला कर लो। देवी जी, टैक्सी एक है मुसाफिर दो, या मेरे साथ आप चलिए या मुझे अपने साथ ले चलिए। अगर ये मंजूर नहीं है तो हम दोनों 50-50। ठीक है। ये बांद्रा बहुत नजदीक तो नहीं? जी नहीं, काफी दूर है। गुड, फिर तो कुछ देर आपका साथ रहेगा। आइए इन चंद खड़ियों को हंस बोल कर गुजार लें। कुछ आप सुनाइए, कुछ मैं सुनाऊं। क्यों सर जी, बातों से वक्त कट जाता है ना? जिंदगी कट जाती है बाबू जी। तुम पहली बार आए हो बंबई? बिल्कुल पहली बार। फिर जरा संभल के रहना। हाँ सरदार जी, यहाँ छुपे रुस्तम पगल में बैठे रहते हैं। एक गल है बाबू, ये शहर है बड़ा मस्ती वाला, बड़ी रौनक, बड़ी खूबसूरत जगह है जी। वाह वाह वाह, क्या जलवे हैं, क्या सजावट है इस शहर की। सरदार जी, बड़ा चक्करदार शहर है बाबू जी। इतने आने का रास्ता सबनों मालूम, पर जाने का रास्ता किसने नहीं मालूम। तुसी दिल दी बात कर दी पापे, हम तो एक नजर में इसके हो गए। मेन साहब, बांद्रा आ रहे हैं, आपको कितने जाना? कला नगर। कौनों कितने जाना बाबू जी? कला के पुजारी हम भी हैं, हमें भी वहीं ले चलो। सरदार जी, टैक्सी रोको। तुहानू तो कला नगर जाना सी। मुझे यहीं उतरना। रोको, ये लो अपने पैसे। मैं द्वारका प्रसाद जी से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है? मैं ही द्वारका प्रसाद। नमस्ते जी, मेरा नाम सूरज प्रकाश है, मैं आनंदगिरी से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ही ट्रेनिंग के लिए आने वाले थे ना? जी हाँ। आओ अंदर आओ, आओ आओ बैठो। मेहताब राय एंड सन का लेटर आते ही मैंने उसी दिन तुम्हारा सारा प्रबंध कर दिया था। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। रामफल। पिताजी, रामफल तो डॉबी को लेकर बाग में गया है। पिताजी,
ये मेरी बेटी रेखा है और बेटी ये मिस्टर सूरज प्रकाश है। ये अपना कोर्स पूरा करने आया। कहिए दादी, कोई काम था क्या? बेटी इनके लिए कुछ लाओ। अरे इनके तो पसीने छूट रहे हैं। आप ठंडा लेंगे? हाँ, तो कुछ भी। कैसे इत्तेफाक? मेरा यहाँ आना क्योंकि कॉलेज बंद, आपका यहाँ होना क्योंकि कॉलेज बंद, रामफल का ना होना क्योंकि कॉलेज बंद। मेरा मतलब है कि और मेरा यहाँ होना क्योंकि कॉलेज बंद। जी हाँ जी हाँ, ये इत्तेफाक नहीं तो और क्या है। I'm sorry, just a minute. माफ कीजिएगा, गलती हो गई। रेखा ये क्या किया तूने? पिताजी क्या बताऊं? लाइए मैं आपका कोट साफ कर लाती हूँ। हाँ भाई दे दो ना। मेरे हिस्से का गोल्ड स्पॉट मेरा कोट ही भीग गया। मैं दूसरे खोल देती हूँ। मैं खोलूँगा। जी वो कोट। कोट मैंने अभी भी चाय पी है। आराम से बैठो ना। आपको बैडमिंटन का भी शौक है? मुझे नहीं रेखा को, वो हमारी कॉलोनी क्लब की चैंपियन भी है और सेक्रेटरी भी। अच्छा, मैं भी अच्छा खेल लेता हूँ, दो चार कप्स भी जीते हैं मैंने। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, फिर तो हमारी कॉलेज में दो चैंपियन हो जाएंगे। मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम बराबर वाले ब्लॉक में कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। क्या हुआ रेखा? मेरा कोट ये कैसे जल गया? स्त्री भड़क गई थी। यार तुझे क्या हो गया? इनसे किस बात की दुश्मनी निकाल रही है? पता नहीं पिताजी, सुबह से किसकी शक्ल देखी है, जो काम कर रही हूँ उल्टा ही हो रहा है। ये बचा हुआ कोट आपको चाहिए? नंबर 4 रेल की पटरी के पास गिरा हुआ नौजवान जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया था, खबर मिली है कि उसे होश आ गया है। ठीक से बैठो साहब। होश आने के बाद उसने मारने वाले का नाम और हो बैठा है। लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी याददाश्त जरूर वापस आ जाएगी। प्यारा भैया चल 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 दिखा। रोजी जॉबी के दूध का टाइम हो गया? आज ही थोड़ा टाइम है। अच्छा अरे दे 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 दे। अरे भाई आज तो डोबी बड़े मूड में। आ जाओ बच्चा। क्यों भाई क्या देख रहे हो? देखा आजकल हवा खराब है, डोबी को वैक्सीनेशन करवा दे। वो तो कब का करवा दिया पिताजी? बेटी तुमने इसकी सारी चिंता मेरे मन से दूर कर दी। इस बेचारे को माँ की गोद तो मिली नहीं। देखो बेटा नसीब से ऐसी बहन मिली है, इसे ज्यादा सताना नहीं। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ। अच्छा, अच्छा डॉबी टो 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 टो। चलो चलो डॉबी डैडी को टाटा करो। टाटा टाटा टाटा। नमस्ते, द्वारका प्रसाद जी है ना? जी वो तो अभी अभी गए। गए? ओ तो मैं ही लेट हो गया। अब दरवाजे से लौट जाऊं तो कहीं आप बुरा ना मान जाए। अब अंदर आ ही गया हूं, आपसे दो चार बातें हो जाए। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए बैठिए, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। देखिए
आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, अपनी बैडमिंटन क्लब को मुझे मेंबर बना लीजिए और आज ही शाम को। अच्छा, मैं जरा फॉर्म लेकर आऊं। हाँ, थैंक यू। मुन्ना चुप हो जा, चुप हो जा, अच्छे बच्चे नहीं रोते, देखा चुप हो गया है ना, समझदार। हाँ, बहुत समझदार। देखिए इसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती है ना। जी मिलती होगी। जो आराम लड़की को मैके में मिलता है ना, वो ससुराल में नहीं मिलता। क्यों, आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो ख्वाब बन गया जी। मेरा मतलब है, मैं क्या जानूं ससुराल, मैं का, मैं चला। लेकिन फॉर्म तो भरते जाइए। फिर कभी भर दूंगा, कोई जल्दी नहीं। सुनिए, लेकिन आप तो आज ही शाम को मेंबर बनना चाहते थे। मैं भूल ही गया, मैं तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, खेल कूद के लिए थोड़ी आया हूँ। मैम साहब, तुम्हारा भाई का दूध का टाइम हो गया। भाई, यानी आप इसकी बहन है? जी हाँ। तो फिर लाइए फॉर्म। देखिएगा, हम दोनों डबल्स में पार्टनर हो गए तो सब कुछ सिंगल कर देंगे। पार्टनरशिप महंगी पड़ गई। I'm sorry. कोई बात नहीं। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था, मैं कुछ नर्वस हो गई थी। नर्वस तो मैं भी हो गया था। क्या खेल रही थी वो लड़की? मुझे कोई खास बात नजर नहीं आई। मुझे तो आई। वैसे तो तुम भी खेल लेती हो, लेकिन वो अदा कहा। तो क्या तुम मुझे अनाड़ी समझते हो? तुम क्या हो तुम जानती, मगर वो लड़की है सचमुच खिलाड़ी। मोटरसाइकिल रोको। मैं कहती हूँ मोटरसाइकिल रोको। अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, ओहो, मैंने पहली ही बार देखा गुस्सा, हसीनों का पहली ही बार देखा गुस्सा, आंखें लाल फूले गाल कह गए सारा किस्सा, मैंने पहली ही बार देखा गुस्सा, हसीनों का पहली ही बार देखा गुस्सा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, चुप चुप, मैं हूँ एक कनाड़ी, मुझसे तेरा रिश्ता क्या, क्या जिस पे आया है दिल तेरा उसके पीछे जा जा। हाँ हाँ, चलना हसीनों की आदत है, अपने सिवा सबसे नफरत है, फिर भी हम इतने दीवाने हैं, हमको तुम्हीं से मोहब्बत है। हाँ हाँ, हमको तुम्हीं से मोहब्बत है। हट जाओ दीवाने वरना मारूंगी एक गुस्सा, मैंने पहली ही बार देखा गुस्सा, हसीनों का पहली ही बार देखा गुस्सा। कैसा लगा गुस्सा? बड़े जोरों का पड़ा है। Let's
आंखों से आंखों का मैच हुआ हुआ दिल तो हमारा ही कैच हुआ हुआ आप तो हार के भी जीत गए नाम हमारा ही स्क्रैच हुआ तूने देखा प्यार मेरा नहीं देखा मेरा ठस्सा मैंने पहली ही बार देखा गुस्सा हसीनों का पहली ही बार देखा गुस्सा सुनो तो नहीं। सुनो भी नहीं। मैंने यूं ही छेड़ा था तुम अकड़ गए छोटी सी एक बात पर क्यों बिगड़ गए हमको तो हक है रूठ जाने का फर्ज तुम्हारा है मनाने का वो तो है जब तक ना रूठा रूठी हो थोड़ी आए ना मजा दिल लगाने का आए हाय 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 आए ना मजा दिल लगाने का फिर तो प्यार में हम दोनों का पूरा पूरा हिस्सा मैंने पहली ही बार देखा हो हसीनों का लड़की अरे लड़की जात होकर चोर उच्चक वाला है दे मेरा पर्स दे पर्स दे तू क्या समझती है मैं अपना पर्स लेकर रहूंगा ला अरे लोगों लोगों देखो देखो ये ओल्ड मैन जवान बन रहा है हम पर हाथ डाल रहा है दे मेरा पर्स बचाओ बचाओ धन नहीं आती इस उम्र में लड़की को छेड़ता अरे मेरी बात तो सुनो सुने क्या अपनी आंखों से देखा है क्या देखा है खाक अरे अकल के अंधो मुझे क्या पकड़ते हो उस पॉकेट मारनी को पकड़ो जो मेरी जेब मार गई ये देख वो तो गई वो पॉकेट मार थी वो तो गई अब क्या हाथ आएगी अरे कैसे नहीं हाथ आए वो मेरी पॉकेट मार गई मैं उसकी गर्दन मार दूंगा आखिर पुलिस इंस्पेक्टर का बाप चलो थाने एक्सक्यूज मी प्लीज 10 रुपए का चेंज मिलेगा शो शो सॉरी सिर्फ 9 रुपए निकले हैं चलेगा बेटी गरीब को भगवान तुम्हें सुखी रखे लेकिन मैंने तो आपको 1 रुपया कम दिया है कोई बात नहीं आप कहां तक जा रहे हैं जी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं पुलिस स्टेशन ठीक है मुझे लव लेन छोड़ दीजिए मेरा रुपया भी वसूल हो जाएगा ओह आइए 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 आप जैसी खूबसूरत मेरा मतलब है अच्छी कंपनी हमारे नसीब में कहाँ हम पुलिस वालों का तो वास्ता चोर डाकू और पॉकेट मार से ही पड़ता है अरे ओ आराम से बैठिए तकलीफ मत कीजिए तकलीफ कैसा मेरा और आपका रिश्ता तो बहुत पुराना है जी मेरा मतलब औरत और मर्द का ओ ओ, ओ, ओ आई आपको बहुत तकलीफ हो रही है हाँ। आपकी तकलीफ को देख के मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है ओ, ओ, हाँ। चॉकलेट खाइए थैंक यू आप यहीं रहती पहले आपको देखा नहीं देखते कैसे मैं तो आनंदगिरी में अभी अभी आई हूँ काम ही ऐसा है जगह बदलनी पड़ती है क्या काम करती हैं आप सोशल सर्विस लोगों को फजूल खर्चे से बचाना बादाम की जगह मूंगफली सिल्क की बजाय कॉटन गाड़ी की जगह पैदल सबको एक लेवल पर लाने की कोशिश करती हूँ वाह वाह कितने पुण्य का काम करती हैं आप कुछ मेरा भी उद्धार कर दीजिए अरे ये तो मेरा पर्स है जी आपकी जेब से गिर रहा था मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आप मेरे साथ हैं कोई पॉकेट मार नहीं जी अब आप इसे अपने कोमल हाथों से मेरी जेब में रख दीजिए रखिए रखिए शर्माइए मत ओ किशोरीलाल जी जी इस हवेली में काफी चेंजेस करने पड़ेगी जी फर्नीचर क्या पर्दे क्या बहुत कुछ बदलना होगा वो देखो चौखट है पर किवाड़
बेटा, इसके किवाड़ तुझे याद नहीं? नहीं, क्यों? जिसके कारण उम्र भर का तुझ में ऐब लग गया, उसी को भूल गया? अरे इसके किवाड़ एकदम जोर से बंद होने से तो तेरी उंगली कट गई थी, और मैंने उसी दिन उन्हें उखड़वा कर फेंकवा दिया था। हाँ माँ, याद आ गया। मालकिन, खाना तैयार है। अच्छा, चाहते आओ बेटा। हाँ चलो माँ, चलिए। ये लो, थोड़े चने और लो। डालो माँ। अरे चटनी कहाँ गई? जी ये रही, ला ला, मैं लेता हूँ। हाँ ये रहा सरसों का साग। इससे मुझे चिढ़ है, मैं ये घास नहीं खाता। अरे सरसों के साग को तुम घास कह रहा है? बचपन में तो तुझे बहुत पसंद था, इसके बिना तेरा पेट ही नहीं भरता था। अब मैं बच्चा नहीं हूँ माँ। बचपन और जवानी में कोई मेल ही नहीं रहा, तू कितना बदल गया है दीपक। से मिलने जा रही हूं, तू भी चलना। ठीक है मैं चलता हूं, तुम यहां बैठ जाओ, मैं बस तैयार होके आया। ये सब कैसे हुआ? बस एक एक्सीडेंट, शुक्र है कि माँ बच गई, लेकिन चोट काफी आई, आंखों की रोशनी को खतरा है। सूरज, मेरी आंखें चली भी गई तो क्या, मेरा बेटा तो है, मैं इसकी आंखों से देखूंगी। नहीं चाची, आज साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, तुम्हारी आंखें नहीं जाएंगी। मिस्टर दीपक जी, जरा यहां आइए। डॉक्टर साहब, अगर कॉर्निया चाहिए तो मेरी आंखें ले लीजिए, मगर चाची की आंखें बचा लीजिए। आई एम वेरी सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता, इनकी आंखें हमेशा के लिए जा चुकी हैं। ये टोपी ठीक करो। मिस्टर दर्शन। यस सर। ये पुलिस स्टेशन है या रेलवे स्टेशन? मैं पूछता हूँ, ये फाइलों के भीड़ भाड़ कैसे? वेल सर, ये सब पुराने केसेस हैं। पुराने केसेस? तो इन्हें क्लोज करने की इजाजत क्यों नहीं मिलवाई? इजाजत नहीं आई। क्या कहा, इजाजत नहीं आई? वो तो आ गई, छींक नहीं आई। तेरी बदतमीज की जब देखो मुंह को नहीं छींकता। इधर उधर क्या देखते हो, क्लोज करो ना। ओके सर, क्लोज करता हूँ। ये चोरी की फाइल सेठ मखनलाल की, 5 साल हो गए कुछ पता नहीं चला। क्लोज। ये पूर्णा नदी की लाश वाला केस, 5 साल हो गए कुछ पता नहीं चला। क्लोज।
ये रेल की पटरी वाला केस, आदमी की याददाश्त चली गई और वो अस्पताल छोड़कर भाग गया। सर आप अपना हाथ बीच में क्यों ले आए? इसलिए कि ये केस क्लोज नहीं होगा, खुला रहेगा। खबर मिली है वो आदमी बंबई के किसी स्कूल में मास्टर हो गया है। डॉबी, अच्छा तो तुम यहाँ छुपे हो? पकड़ी गए। चलो चलो बाहर निकलो, निकलो जल्दी। 24 घंटे ड्राइंग बनाते रहते हैं। दीदी वो नए ड्राइंग मास्टर है ना, वो कहते हैं कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा। आर्टिस्ट तो तुम बड़े होकर बनोगे, अभी स्कूल चलो। दीदी बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ते हैं? इंसान बनने के लिए। इंसान क्यों बनते हैं? अच्छे अच्छे काम करने के लिए। अच्छे अच्छे काम क्यों करते हैं? ओफो तुमने फिर क्यों की ट्रेन छोड़ दी? चलो बैग उठाओ, तुम्हें स्कूल छोड़ते हुए मैं एयरपोर्ट जाऊंगी। एयरपोर्ट क्यों दीदी? क्योंकि पिताजी कलकत्ते से आ रहे हैं उन्हें लेने के लिए। कलकत्ते से आने वाला प्लेन 1 घंटा लेट है। पहले मिल चुके हैं शायद दिल्ली में? जी मैं दिल्ली कभी नहीं गई। ओह तो बॉम्बे में मिले होंगे, मैं यहाँ अक्सर आता रहता। बॉम्बे में भी नहीं। तो आज मिल गए, कभी ना कभी मुलाकात होनी थी सो हो गई। हाँ ये रहे 2 कॉफी के पैसे। नहीं सिर्फ 1 के, दूसरे के ये रहे। ये तकल्लुफ क्यों, आप तो मिलते ही रहेंगे। जी नहीं। ए मिस्टर, ठहरी मैं साफ कर दूंगा। यू स्काउंडल। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपस का झगड़ा था। नतारने ट्रंकल, आने की तुमने कोई खबर ही नहीं दी। बिना खबर दिए आने में जो मजा है वो खबर देकर आने में काम। अच्छा तुम सुना, तुम्हारी ट्रेनिंग कहां तक पहुंची? 2-4 महीने और रह गए हैं, आ रहा देखता हूं तुमने क्या क्या गड़बड़ी की। अरे आओ तो सही, मैंने कंपनी के सारे स्क्रू टाइट कर दिए। तुम आओगे तुम्हें भी फिट कर दूंगा। सूरज ये कंपनी के सामान की लिस्ट है, अभी खरीद कर आनंदगिरी के लिए बुक करा दो। अभी? हाँ यार अर्जेंट है तो मैं एक जरा फोन कर लूं। श्योर। हेलो। देखो रेखा अभी इस वक्त जो हमारा अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल है। क्यों? मैं तो तैयारी हो रही थी। अचानक हमारी कंपनी के मालिक हवाई जहाज से आ गए। एयरपोर्ट तो मैं भी गई थी। अच्छा क्या कोई रोमियो मिल गया था एयरपोर्ट पर? पीछा ही नहीं छोड़ता था। कॉफी ऑफर की? अच्छा बदतमीजी पर उतर आया कमीना, एक ही थप्पड़ मारा। ऐसे लफंगे को तो मार मार के भुरता बना देना था, मैं होता तो उसके हाथ पैर तोड़ देता। अच्छा बाबा जब मिलेगा तब तोड़ देना। अब ये बता प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या? वही जुहू बीच 5 बजे। वाह वाह कितना अच्छा कमरा सजाया है। ये सब जॉली बोर का कमाल है,
अच्छे फर्नीचर के लिए जॉली बोर्ड। इल्फार साड़ियां, इल्फार सूटिंग, लाजवाब शानदार इल्फार साड़ियां, सूटिंग, लाजवाब शानदार इल्फार। इतनी छाप चमेली अगरबत्ती पूजा के लिए आदर्श। इसकी मनमोहक सुगंध मन को प्रसन्न व शांत रखती है और पूजा में चंचल मन लीन हो जाता है। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रामा कृष्णा लिमका पियो, लिमका पियो, लिमका पियो प्यारे, ताजा लिमका अच्छा लिमका ठंडा लिमका पियो प्यारे। चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश, शू पॉलिश, चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश, शू पॉलिश। डाबर आमला तेल बालों को घना व काला बनाता है। इससे आपके बाल रेशम जैसे मुलायम हो जाते हैं और सर को ठंडक पहुंचती है। हमेशा इस्तेमाल कीजिए डाबर आमला तेल। लंबे लंबे बाल बनाए तूने डाल आंवला तेल, लंबे लंबे बाल बनाए तूने डाल आंवला तेल। चाहे मुझे तू फांसी दे दे, चाहे करा दे तेल, मैं तन्नू नहीं छटना, मैं तन्नू नहीं छटना। ओए पीछे पड़ के लाखों देखे, तनु नहीं छड़ना, मैं तेरे हाथे, मैं तेरे हाथे नहीं छड़ना, मैं तनु नहीं छड़ना, नहीं छड़ना, नहीं छड़ना। शादी हो या सुहागरात, रूप कला की साड़ियाँ ही स्त्री की शोभा को बढ़ाती हैं। स्त्रियों की सुंदरता का राज रूप कला की साड़ियाँ। छोटा परिवार सुखी परिवार। निरोध वापरा, निरोध इस्तेमाल कीजिए, यूज निरोध, 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 निरोध। ये निरोध निरोध क्या कर रहे हो? निरोध का विरोध कौन कर रहा है? मैं। तुम्हारे इंतजार में मैंने अपनी शादी भी देख ली और अपने बच्चे भी। कब तक तुम ये सपने देखते रहोगे और मुझे भी दिखाते रहोगे? अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो रही है, मैं एक दिन भी नहीं रह सकती बिना शादी के। हाँ, सोचा था किसी मोटे सेठ की लड़की से शादी होती, अमेरिका में हनीमून होता,
और मेरा भविष्य बन जाता। दो दो मोटरें होती, दो दो बंगले, सिर्फ दो रूम का फ्लैट मिलेगा। सेठ की लड़की नहीं, प्रोफेसर की लड़की लिखी है तुम्हारी किस्मत में। और किस्मत का लिखा बदल ही नहीं सकता। मैं आज ही जाता हूं अनंतगिरी और चाची को ले आता हूं, और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। रामकली, चाची कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। नमस्ते चाची। अरे सूरज, भगवान से आंखें मांगती तो मिल जाती, मैं तो तुझे बुलवाने वाली ही थी। और मैं आ गया, वो भी खुशखबरी के साथ। अरे आज तो खुशखबरी मैं तुझे सुनाने वाली हूँ। बरसों के बाद दीपक को एक लड़की पसंद आ गई है। अच्छा। चाची, मैंने भी एक लड़की पसंद की है। सच? अरे अब तो मेरी खुशी दूरी हो गई। दो बराते जाएंगी, दो दुल्हने आएंगी। दीपक ने कौन सी लड़की पसंद की है? यही अनंतगिरी की? नहीं नहीं, बंबई की है। बंबई की? हाँ, तुम्हारे प्रोफेसर द्वारका प्रसाद की बेटी रेखा। हाँ, लड़की तो तेरी देखी हुई है, सुंदर है ना? तो चुप क्यों हो गया? क्या कहूं चाची, उसी लड़की से अपनी शादी तय करने के लिए मैं तुम्हें ले जाने आया था। क्या माँ? यह भी कुदरत का अजीब मजाक है। हम दोनों ने चाह भी तो एक ही लड़की को। लेकिन तुम परेशान मत हो मां, जब 14 बरस गवा दिए अपने दोस्त के लिए तो जिंदगी भर कुंवारा भी रह लूंगा। सूरज, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, तू समझदार है, वो जिद्दी। ये घर बसे जो उछड़ी तेरे हाथ में है। मेहताब राय एंड सन का नाम तो सुना था। दीपक राय का नाम तो एशिया का बॉर्डर क्रॉस कर गया है साहब, देसी कंपनी को बिलायती फर्म बना के रख दिया है। बाप की नजर से देखा जाए तो इस रिश्ते में लड़की के लिए बहुत कुछ है, घर से निकलकर महल में पहुंच जाएगी। तो फिर मंगवाइए मिठाई, सुना यहाँ के गुलाब जामुन बड़े मशहूर हैं। वो तो आप वैसे भी खाइएगा, लेकिन किशोरलाल जी, लड़की से पूछना बहुत जरूरी है। तो बुलाइए लड़की को और पूछ लीजिए। ये जल्दी का मामला नहीं, देखिए ब्याह शादी की बात है, 100 तरह की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। ठीक है साहब, बाकी लड़के और घर के बारे में जो कुछ और जानना है तो सूरज बाबू से पूछकर इत्मीनान कर लीजिए। अच्छा, तो मैं एक दो रोज में आपको इसका जवाब दूंगा। सिर्फ जवाब नहीं, साथ में गुलाब जामुन भी होंगे। रामफल, रामफल, रामफल। पिताजी, रामफल डॉबी का टिफिन लेकर स्कूल गया है। अच्छा अच्छा, तू ही जरा सूरज को देख ले, अगर हो तो कहना मैंने बुलाया है, एक जरूरी काम है। क्या काम है? आनंदगिरी से एक संदेश आया है, उसी के बारे में बात करनी है। जी। रेखा, तुम तो ऐसे डर के जैसे कोई चोर पकड़ा गया। चोर? और नहीं तो क्या, चुपके चुपके शादी का पैगाम भिजवा दिया, खुदा भी शर्माती थी क्या? चलो पिताजी ने बुलाया है। मुझे? जी। आपने मुझे बुलाया? आओ सूरज, बैठो। बेटा, मुझे तुमसे कुछ सलाह करनी है। आनंदगिरी से श्रीमती मेहताब राय ने अपने लड़के दीपक की बात भेजी है। बेटा, रेखा से पूछने से पहले मैं तुमसे इनके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। तुम तो इस खानदान को अच्छी तरह जानते हो ना? बहुत अच्छी तरह से, बड़े प्यारे लोग हैं। दौलत से ज्यादा इज्जत, इज्जत से ज्यादा शराफत है इस खानदान में।
तो तुम्हारी ये राय है कि रिश्ता मंजूर कर लूं? आंख बंद करके। लड़कियों को ऐसा घर बड़ी किस्मत से मिलता है। रेखा राज करेगी। मुझे भी आपसे एक राय लेनी है। बोलो। ऐसे एक अमीर घराने से मेरे लिए एक पैगाम आया है। वो लोग मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं। मेरा भविष्य बन जाएगा। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है? कुछ उलझने हैं, कुछ ऐसे बंधन हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं, क्या जवाब दूं, क्या जवाब ना दूं। जवाब मैं देती हूं। भविष्य बन रहा हूं तो किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं। पिताजी, लड़कियों को ऐसा घर बड़ी किस्मत से मिलता है। मुझे मुझे रिश्ता मंजूर है। मास्टर जी, मेरी दीदी की शादी है, जरूर आइएगा। अच्छा। रामफल जी, मुझे घर ले चलो। नहीं डॉबी बाबा, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें टाइफाइड हो गया है। मुझे टाइफाइड भी अभी होना था जब मेरी दीदी की शादी। तमन्नाओं की दुनिया, यूं तो हर इंसान बसाता है, मगर पाता वही है जो यहाँ तकदीर लाता है। मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, ये साज नया नया गीत मुबारक, मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक। खेली है बाहर से ये फूलों की कली, ख्वाबों की दुल्हन बड़े नाजों में पली। खेली है बाहर से ये फूलों की कली, ख्वाबों की दुल्हन बड़े नाजों में पली। पलकों पे बिठाना ऐसे सुख देना, याद ना करे ये कभी बाबुल की गली, अपने बाबुल की गली। गाए खुशी के तराने ऐसी प्रीत मुबारक, गाए खुशी के तराने ऐसी प्रीत मुबारक, ये साज नया नया गीत मुबारक, मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक। अब तू किसके लिए सज रही है? हमारी तो किस्मत ही फूट गई। तुझ पे रुपया लुटाने वाले दीपक बाबू ने तो शादी ही कर डाली। आज वो अपनी सुहाग रात मना रहे होंगे। नहीं माँ, आज भी दीपक बाबू यही आ रहे हैं। रही शादी, वो तो उन्होंने सिर्फ उस लड़की से बदला लेने के लिए की है। बदला? हाँ, बदला। रेखा ने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। अब वो शादीशुदा होने पर भी जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। Thank you.
कहाँ जाता है? भूख कहाँ जाती है? लड़की होकर ये हिम्मत? पुलिस पर अटैक? देखूं तेरी सूरत? तुम मेरे सपनों की रानी? पॉकेट मार निकली? इम्पॉसिबल, ये पुलिस की पकड़ है, कलाई टूट जाएगी, हाथ नहीं छूटेगा। चलो चलो, come on, when I say move on means move on, चलो। चलो जी, चलो, कहाँ जाती है? कहाँ गई? अरे कहाँ छिप गई हो, सामने आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम पॉकेटमार नहीं हो, मुझसे मजाक कर रही थी। मैं तुमको गिरफ्तार नहीं करूंगा, आ जाओ। पकड़ लिया, चलो थाने। क्या? मगर तुमने कहा था गिरफ्तार नहीं करूंगा। ये सब पुलिस वालों के ड्रामे हैं, वरना हर चोर डाकू हमारे हाथ से निकल जाए। ये लो, डाल दो हथकड़ी, बीड़ी भी बना दो, बंद कर दो जेल में। तुम पर विश्वास करने का इनाम है। ओ, तुम्हें गिरफ्तार करते हुए मेरा दिल फटा जा रहा है। तुम इतना गिरा हुआ काम क्यों करते हो? वक्त करवाता है, जब कोई सहारा ना हो तो इंसान भटक ही जाता है। तो कोई सहारा ढूंढ लो। भला मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? समय बदल चुका है, आजकल के लड़कों में हिम्मत आ गई है, वो गिरे हुए को उठा रहे हैं। सच? मैं किसी का हाथ पकड़ लूं? हाँ हाँ, जरूर पकड़ लो। उस पॉकेट मार लड़की का डील डॉल बनाया, जगह दिखाई, कंप्लेन पे कंप्लेन की, मगर कैसा इंस्पेक्टर है, अपने बाप की बेइज्जती का बदला नहीं ले सका। अभी तक एक लड़की को नहीं पकड़ सका। पिताजी, दर्शन तू क्या चाहता है? कि मैं अपनी बेइज्जती का दाग इसी तरह अपने सीने पे लिए इस दुनिया से उठ जाऊं? क्या उस चोर लड़की का कुछ पता नहीं चलेगा बेटे? चलेगा कैसे नहीं पिताजी, मैंने चारों तरफ जाल फैला दिया है। अभी तो सिर्फ एक ही लड़की फंसी है। तो ले आओ उसे मेरे सामने। वो आप वाली नहीं है। तुझे क्या मालूम है मेरी वाली नहीं है? मैं तो एक झलक में पहचान लूंगा, उसकी सूरत मेरे दिल में उतर गई है। सुडौल बदन, शरबती आंखें, सुराहीदार गर्दन और बाएं गाल पे काला तिल। मर गए। ये तेरे पीछे क्या है? जी बेल्ट है, सामने बेल्ट है, पीछे बेल्ट है, न्यू फैशन। झलक मेरे सामने से। ये कौन है बेटे? पिताजी, जमाने की सताई, मुसीबत की मारी, गरीब मगर शरीफ, आपकी सेवा के लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा है, गिरे हुए को उठाना ही चाहिए। हाँ। कहने की जरूरत नहीं बेटे, देखो घुंघट बता रहा है कि लड़की शरीफ है, नहीं तो एक वो बेहया और एक ये लज्जा की मूर्ति। क्या हुआ जी? मैं जरा चौंक गया था, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। क्या नाम है तुम्हारा? शर्माओ मत, बोलो बेटी। बोलो बेटी, बोलो बोलो। लाजवंती। लाजवंती नहीं आई। नहीं आई रेखा जी, यहाँ पर मेरी चाबियां थी, कहाँ गई? मेरे पास है। तुम्हारे पास क्यों है? जी मैंने सोचा कहीं इधर उधर ना हो जाए, इस ख्याल से। इतना ख्याल आप मेरा न करें तो बड़ी इनायत होगी। आइंदा से मेरी किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं।
तुम्हारी हर सुबह नुकसान से शुरू होती है। आंखें नहीं तो पांव क्यों निकालती हो? अंधी हो? गूंगी तो नहीं? किसी को आवाज तो दे सकती हो? क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूं। इसी तरह चीजें टूटती रहीं तो सारा घर साफ हो जाएगा। रामकली तोरण, रामकली माँ जी यहां से बाहर वाले कमरे में रहेंगी। बाहर वाला कमरा? इन्हें वहां ले जाओ और इनका सामान भी वहीं पहुंचा देना। न किसी चीज से टकराएंगी न जख्मी होंगी। जख्म तो फिर भी भर जाते हैं बेटा, टूटी हुई चीज नहीं जुड़ती। रामकली मुझे पहुंचा दे, मुझे वहां बहुत आराम मिलेगा, न गिरूंगी न चोट लगेगी। देखो बेटे को मां का कितना ख्याल है, सबसे अलग थलग शांति से पड़ी रहूंगी। मुझे अंधी को घर के अंदर क्या, घर के बाहर क्या, आप जरा इधर बैठिए, मैं आपको मेरी नई ड्राइंग बताता हूँ। अच्छा बताओ। ये देखिए। बहुत अच्छे। फिर ये भी देखिए। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छा है। अंकल हमारे नए ड्राइंग मास्टर है ना, वो हमें रोज नई ड्राइंग बनाना सिखाते हैं। अच्छा, तुम्हारे ड्राइंग मास्टर बहुत होशियार मालूम होते हैं। अंकल क्या मैं होशियार नहीं? तुम भी बहुत होशियार हो, उस्ताद को A1 शागिर्द मिला है। थैंक यू अंकल। अंकल ये देखिए मेरा घर है। तुमने बनाया है, तुम्हारा ही घर होगा। डॉबी तुम अपने जीजा जी के घर कब गए? कभी नहीं। मगर ये घर तो उनका है, तुमने कैसे बनाया? बस बना लिया। बिना गए बिना देखे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक पैसा भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन बड़े सरकार के जमाने में तो वर्कर्स को, वर्कर्स से कह दो कि मेहताब राय का जमाना कब का खत्म हो चुका है, अब दीपक राय का जमाना है। जी हेलो दीपक। हेलो, बॉम्बे से कब आए? आज सुबह। सूरज तुम्हें पूछकर बैठना चाहिए था। क्या? बुरा मत मानना, ऑफिस में दोस्ती का कोई नाता नहीं होता, मालिक और मुलाजिम का रिश्ता होता है। ठीक है ना? ठीक है, बैठो। किसका बा रहे पिताजी? तुम्हारी दीदी का। दीदी कब आ रही है? दीदी नहीं, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अरे भी किसी काम से आ रहे हैं। तो चले अभी उनके पास, मैंने अभी तक उनको देखा नहीं। झूठ बोलते हो, शादी में नहीं देखा? वाह पिताजी, भूल गए, मुझे तो टाइफाइड हो गया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा अब तुम स्कूल जाओ, शाम को मैं तुम्हारे जीजा जी को यहीं ले आऊंगा। Yeah.
भीगा है शराब में, भूल गई है मस्तियां शबाब में। अब इन चरागों की जरूरत क्या, रोशन है जब ये शम्मा। आँख से आँख बुझा ले परवाने, धड़कन कहे ये दिल की मेरी आँखों से। आह मेरी बाहों में तू जीने का मजा ले, दो दिन की है ये दिन। आप, दरवाजा तो खुला था, तोड़ के आने की क्या जरूरत? दीपक, ये सब क्या है? वो नशा है, ये जाम है, जिनसे टकरा कर मेरी बच्ची की किस्मत फूट गई। मगर दीपक, रेखा की खुशियों को मैं तुम्हें इन बाजारी औरतों के पांव तले कुचलने नहीं दूंगा। आप कर ही क्या सकते हैं? मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तुम धर्म से, समाज से मुंह नहीं मोड़ सकते। अग्नि को साक्षी मानकर सबके सामने तुमने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, तुमने उससे ब्याह किया है, मजाक नहीं। सात फेरों से समझते हो तुमने मुझे खरीद लिया? मेरी जिंदगी तुम्हारी बेटी की जागीर नहीं। अपनी जवानी की दौलत अगर इन गरीबों में ना बांटूं तो कंजूस कहलाऊंगा। दीपक, अपने नाजुक रिश्ते को भूलकर इतनी ऊंचाई पे ना जाओ, गिर पड़ोगे। पराई बेटी होकर भी तुझ में कितना अपनापन है। आजकल तो अपनी औलाद से भी मां को ये प्यार नहीं मिलता। तुम्हारी सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। माँ, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी नहीं घबराता? चलो ना, ऊपर चलकर बैठे। नहीं नहीं, यहाँ बड़ी शांति है, ना मैं इधर उधर भटकूंगी, ना कुछ चीज टूटेगी। बीबी जी, हाँ? आपका तार। तार? किसका तार है बेटी? बोल ना, किसका तार है? पिताजी को हार्ट अटैक हो गया है। हे राम, क्या मैं अपनी बेटी से आखिरी बार भी नहीं मिल सकूंगा? पिताजी, पिताजी, ये क्या हो गया पिताजी? जो कुछ हुआ अच्छे हुआ बेटी, मैं तेरा दुख से नहीं देख सकूंगा। नहीं पिताजी, मैं बहुत सुखी हूँ पिताजी। मैं सब जान गया हूँ बेटी, मुझे बहुत सोच समझ कर तेरे हाथ पीले करने चाहिए थे। अब क्या हो सकता है, अब तो समय हाथ से निकल चुका। बेटी बेटी, मैं दोष किस्मत को दूं या अपने आप को? नहीं पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। बेटी, बेटी, पिताजी, डॉबी, पिताजी, डॉबी, पिताजी, डॉबी, पिताजी, डॉबी, पिताजी, ने मेरी जेबी साफ नहीं की, टोपी भी उतरवा ली भरे बाजार में। तुझे मालूम है? मुझे मालूम है। चौबीस घंटे में 48 घंटे छींकता रहता है, काम क्या करेगा? मैं पूछता हूं, उस लड़की को गिरफ्तार किए बिना तू जिंदा क्यों है? जहर क्यों नहीं खा लेता? मुझे ऐसा लगता है मैं इंस्पेक्टर का असली नहीं, नकली बाप।
ये बात नहीं है पिताजी। तो फिर क्या बात? बात ये है, हाँ मैंने प्रतिज्ञा की है कि लाजवंती से शादी करने के बाद ही मैं उस लड़की को पकड़ूंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। ये बात है? हाँ। तो ले फिर आज ही मुहूर्त निकलवाता। मुहूर्त? ओके ओके ओके। लाजवंती, वो मेरी होने वाली बहू, वो लाजवंती। लाजवंती देख तो मेरी टोपी कहाँ है। अरे टोपी तो तेरे पास है, देख टोपी दे, टोपी दे। अरे गुंगट नहीं तो टोपी, टोपी नहीं तो प्लेट, मुझ बुढ़े से पर्दा क्यों? आज तो मैं तेरी सूरत देख कर ही रहूंगा। अभी नहीं। ए, छोड़। अरे बाप रे, छोड़ छोड़ छोड़। पिताजी पिताजी पिताजी, दीपक बाबू के वहां से आदमी आया है, आपको आपको बुलाया है। नहीं जाऊंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन आज मैं इसका फैसला करके रहूंगा। मेरी होने वाली बहू तुझे सूरत दिखाती है, मुझे क्यों नहीं दिखाती? जी ये बात नहीं। कैसे नहीं, यूं ही गंजा नहीं हुआ हूँ, कुछ दाल में काला जरूर है, मैं ये राज जान कर रहूंगा। आप ऐसा करेंगे इस बेचारे को बहुत दुख होगा। क्यों? बात यह है इसमें बहुत बड़ा ऐब है। ऐब? कैसा ऐब? ये भेंगी है। क्या कहा? भेंगी? कोई परवाह नहीं, लड़कियों के ऐब हुनर उनके गुण से देखे जाते हैं, उनके सूरज शक्ल से नहीं। और फिर मुझे तेरी प्रतिज्ञा पूरी करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, उस चोर लड़की को जेल में चक्की पिसवानी है। मैं कल ही तेरी शादी की शहनाई बजवाता हूँ। ये तो वही है, मगर रुको। ओ माधव मंगल आज ब्रह्म लोक नाचा। बंद करो ये फेरे। फेरे तो पूरे हो गए पिताजी, और मेरी प्रतिज्ञा भी। अब आपकी गुनाहगार लाजवंती आपके चरणों में, चाहे उससे जेल में चक्की पिसवाइए या ऐसे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन पिताजी अब आपकी बहू ने यह काम छोड़ दिया है। ऐसा? लेकिन हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। थैंक यू, मैं रख लेता हूं। हाँ तू भी रख लो, एक ही बात है, ऑल इन द फैमिली। दीदी ये घर तो मेरा है, बॉम्बे में मैंने इसकी तस्वीर भी बनाई थी। हाँ डॉबी, अब यही तुम्हारा घर है। ये बात नहीं है दीदी, मैं इस घर की एक एक चीज बता सकता हूँ, आओ मेरे साथ। दीदी इसके बाद एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों के ऊपर एक शेर की खाल लटक रही है, वो देखो। अच्छा, शेर तो नहीं है, लेकिन दीदी हॉल वही है। तुम्हें यहाँ आना था ना, शायद इसलिए तुम इस घर के सपने देखा करते थे। डॉबी तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे जीजा जी को ऑफिस फोन करके आती हूँ कि हम आ गए हैं। शायद मुझसे डर गया है। अरे डर क्यों गए, ये तो तुम्हारे जीजा जी हैं। चलो चलो नमस्ते करो, चलो चलो। नहीं नहीं, क्या देख रहे हो डॉबी? अंकल यहाँ एक पेड़ था, कहाँ गया? वो तो तुम्हारे जीजा जी ने कटवा दिया।
डॉबी, ये तस्वीर तुमने बनाई? नहीं तो, मेरे बम्बई वाले ड्राइंग मास्टर ने बनाई। बहुत अच्छी। लेकिन अंकल, वो पेड़ जीजाजी ने क्यों कटवा दिया? उन्हें पसंद नहीं था इसीलिए। डॉबी, तुम्हें कैसे मालूम यहाँ वो पेड़ था? उसे तो कटे हुए कई साल हो गए। दीपक बाबू, पुलिस आई है। पुलिस? तुम ही पूछ लो ना क्या काम है। पुलिस सुपरिटेंडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। हमारी फैक्ट्री का एक वर्कर गणपत गिरफ्तार हुआ है। ओ, गणपत, चलो। हुजूर, कमाल किया आपने। हेलो मिस्टर बाबू। हेलो मिस्टर दीपक, हाउ आर यू? क्वाइट वेल, थैंक यू। किस इल्जाम में गिरफ्तार किया है इसे? मर्डर केस में। 10 साल से पुलिस इसकी तलाश में थी, चाहे भेष बदले चाहे नाम, कातिल को एक ना एक दिन गिरफ्तार होना ही पड़ता है। अगर उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा हो तब? ये भी अक्सर देखा गया है मिस्टर सूरज, जब मुजरिम को पकड़ने में हम बेबस हो जाते हैं, कुदरत हमारी मदद करती है। दीपक, दीपक, मैं डॉबी हूँ। दीपक का बच्चा नहीं रहा, वो यहाँ क्यों आएगा? अच्छा डॉबी, मुझे जरा नल तक ले चल, बहुत प्यास लगी है। माँ, चलो तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। अच्छा। लो माँ। लेजा ठंडा कर दिया। चुक चुक जियो बेटा, चुक चुक जियो। माँ, तुम्हारा जो भी काम हो मुझसे कहा करो, मैं कर लूंगी। अच्छा बेटे, अब तो जाके सो जा। कल रात अपर हिल रोड पर जो चोरी हुई थी उसकी क्या रिपोर्ट है? कोई खास नहीं, जिस तरह की चोरियां हुआ करती हैं, ये भी उसी तरह की एक चोरी है। यही पुलिस की रिपोर्ट है? जी नहीं, पुलिस की रिपोर्ट तो ये है कि ठीक 1:02 पर एन मौके वारदात पर मैं पहुंच गया। चोर अंदर था और मैं बाहर। जैसे ही मैं अंदर घुसा वो खिड़की की तरफ लपका। तुम चोर को पहचानते थे? जी नहीं, चोर मुझे पहचान गया क्योंकि मैं पुलिस की वर्दी में था। उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये। तो क्या तुमने चोर को भगा दिया हाथ के इशारे से? जी नहीं, हाथ के इशारे से मैंने लोगों को रोक दिया कि अगर शोर होगा तो चोर भाग जाएगा, भाग जाएगा। मगर तुम इतने परेशान क्यों? जी, परेशानी की तो बात है क्योंकि चोर चाकू दिखा रहा था। मगर तुम बार बार खिड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? जी, बात यह है वो बिल्कुल ऐसी ही खिड़की थी। अरे जाओ, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। जी सर, ऐसा होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होता है। कौन हो तुम? जी कोई नहीं है, कोई नहीं है। जाओ जाओ जाओ। क्यों जाओ? किसी की जेब काट रही हो? तुम्हें डर लगता है तो मैं खुद अंदर आती हूँ। हाँ। अरे कौन है ये? जी 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 क्या, मैं इनकी पत्नी हूँ। घंटे भर से खाना लेकर आई हूँ लेकिन तुमने इनको भीगी बिल्ली बनाकर रख दिया है। लाजवंती, तुम चुप रहो। जी ये कोई यमराज है, खा जाएंगे तुम्हें। सुबह से इनके मुंह में एक दाना भी नहीं गया सिवाय तुम्हारे डांट के। कहीं परलोक सिधार गया मेरा पति भूख के मारे तो विधवा मैं हो जाऊंगी, तुम्हारा क्या जाएगा? तो खाने से कौन रोकता है, ले जाओ अपने पति को। जाओ जी जाओ, सुबह खाओ शाम को खाओ, हो सके तो कल वापस आओ। अब ले जाओ उस मुसीबत को। थैंक यू सर। थैंक यू सर, भगवान बचाए नौकरों से। अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की। अरे भाई, चाय का क्या हुआ?
रेखा, रेखा, इस घर के नौकर भी कितने बेवकूफ, सफाई करते हुए ये भी नहीं देखते हैं कि तस्वीर सीधी है या उल्टी। आपकी चाय। दीपक बाबू, ये खाल मैसूर से आई है मरम्मत होकर, इसे देख लीजिए। मुनीम जी, मैं देख कर क्या करूँ, हॉल में जहाँ से इसे निकाला था वही लटका दो। बहुत अच्छा। ये खाल हॉल में सीढ़ियों के ऊपर लगी हुई थी? जी हाँ। अजीब बात है। क्या? डॉबी को कैसे मालूम हुआ कि ये खाल हॉल में लगी हुई थी? उसने आते ही मुझसे बताया था। अच्छा, लगता है तुम्हारा भाई जीजू का बहुत बड़ा जादूगर निकलेगा। ये तस्वीर किसकी है? आप नहीं पहचानते? नहीं। ताज्जुब है, ये आपकी बचपन की फोटो है। ये देखिए, आपका नाम भी लिखा है, दीपक राय। बड़े होकर आप कितने बदल गए हैं, ऐसा लगता है ये आपकी फोटो ही नहीं। हाँ, वाकई बहुत बदल गया हूं मैं खुद नहीं पहचान पाया। लेकिन ये फोटो तुम्हें मिली कहां से? मुझे नहीं, डॉबी को मिली, पता नहीं कहां से उठा लाया। ये डॉबी पुराने सामान की कुरेता फिरता है, उसे मना कर दो, कोने कचरे में ना जाएगा। ये एल्बम भी कहीं से उठा लाया? नहीं, ये उसी का है, उसे पेंटिंग का शौक है ना कुछ बनाता रहता है। बहू रानी, माँ जी आपको बुला रही है। वाह, बिल्कुल अपना घर बना दिया इसने। डॉबी को इस कमरे की चाबियां दी थी? नहीं तो, वो तो आप ही के पास रहती है। फिर वो अंदर कैसे गया? उसने ये तस्वीर कैसे बनाई? उसे कैसे मालूम हुआ कि अलमारियों में क्या क्या सामान रखा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं समझाता, वो बदमाश चोर है, चाबियां चुरा कर अंदर जाता है और सारा सामान खोलता फिरता। आखिर उसकी नजर मेरी खानदानी चीजों पर क्यों लगी है? कहां है वो शैतान? डॉबी, ये हरकत भी तेरी है कमीने, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, घर जा। कर कहां जाएगा सुअर के बच्चे? अभी मजा चखाता हूं। कमीने, आइंदा मेरी चीजों पर हाथ लगाएगा? दीदी, ये क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए, बच्चे को कोई इतना मारता है क्या? छोड़ दो मुझे, आज मैं तेरी जान से मार दूंगा। मार रहा है तो मुझे मार ले, मेरी जान ले लीजिए, छोड़िए मेरे भैया को। तुम मेरे बीच में मत आओ माँ। अरे इस नन्हे से बच्चे के हाथ पांव तोड़ देने तू, जालिम निर्दयी, बच्चे पर हाथ उठाते तेरे कलेजा नहीं फट गया? ये बच्चा नहीं है, चिंगारी है, जहर है, सांप है। सांप तू है? क्या कहा तूने? मैं आया तेरे द्वारे।
गली से मैं गुजर। कौन थी लड़कियां? इतनी रात गए दिल वालों के साथ कौन लड़कियां होती हैं? इतना भी नहीं जानती? वैश्याएं, मैले आंचलों से मुंह पोछते शर्म नहीं आती? शर्म की दौलत हम हुस्न के पुजारियों के पास कहां? ये पाप की पूजा बंद करनी पड़ेगी। मुझे भला कौन रोकेगा? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। एक पत्नी को जो मिलना चाहिए वो तुम्हें मिल रहा, घर, रोटी, कपड़ा। रोटी कपड़ा देकर मन की शांति छीन ली है। जिस दिन से इस घर में आई हूँ, एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है तुमने। उन औरतों से भी ज्यादा जलील कर दिया जिन्हें पैसे से खरीदते फिरते हो। मुझे प्यार चाहिए, प्यार, भीख नहीं। अब ये भीख भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हट जा सामने से। नहीं हटूंगी, आज मैं अपना अधिकार लेकर ही रहूंगी। मैं कहता हूँ हट जा सामने से। नहीं हटूंगी। नहीं हटेगी? नहीं। मारो और मारो, इतना मारो कि मेरी सांस रुक जाए। मैं जीना नहीं चाहती। मारो मुझे और मारो। तुम मरना चाहती हो? मैं मरना चाहती हूँ। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम जज्बात में आकर ये भूल गए कि रेखा अब तुम्हारी माशूका नहीं, मेरी पत्नी है। पत्नी का रूप देके तुमने इसे अपनी हवस का निशाना बना दिया। इसकी पवित्रता को शराब का घूंट बनाकर पी गए। ये तो मुझे आज मालूम हुआ, तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, धोखा था। रेखा को मुझसे छीन लेने की एक चाल थी। माँ की ममता का वास्ता दिया और अपने एहसानों का ताना देकर दोस्त और दोस्ती दोनों पर डाका डाला है तुमने। सूरज, सूरज को ग्रहण लगा दिया है तुमने। तुम्हारी खातिर रेखा के दिल में मैंने अपने लिए नफरत के बीज बोए, भविष्य की आड़ लेकर झूठा नाटक खेला ताकि मैं इसके दिल से भी दूर हो जाऊं। अपनी मुस्कुराहटें तुम्हें इसलिए दे दी थी कि तुम उन्हें आंसू में डुबो दो। इसीलिए इस फूल को सौंपा था कि इसकी एक एक पंखड़ी नोच कर फेंक दो। मेरी कुर्बानियों का यही सिला है, यही इनाम है। तुम्हारे सारे भाषण का एक ही जवाब है, प्यार, जो तुम्हें तड़पा रहा है। रेखा गरीब का भी यही हाल है सूरज। दीपक, मैं समझता था तुम दोनों एक दूसरे को भूल चुके हो, मगर आज इतनी रात गए तुम्हारा यहाँ आना बता रहा है कि चोर दरवाजों से प्यार का व्यापार बराबर होता था। दीपक, ये नाजायज तिजारत मेरे नजदीक जायज है। पराई औरत तो मर्द का प्यार दुनिया की नजर में जुर्म सही, लेकिन मेरी नजर में नहीं। भगवान के लिए चुप हो जाइए। रेखा, मैं तुम दोनों के जज्बात को समझता हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये रही मेरे दूसरे घर की चाबी। पति का पर्दा पड़ा रहने दो और इसके पीछे तुम दोनों अपने दिलों की प्यास बुझा सकते हो। बदमाश कमीने, इतने
कितना नीच है तू। काश कि तू रेखा का पति ना होता। स्कूल मास्टर हाजिर है साहब। वो जो हॉस्पिटल से भाग गया था, रेल की पटरी वाला केस। जी, उसे बंबई से लाया गया है। उसे एचपी साहब के पास ले जाओ। यस सर। आ गया वो आदमी? यस सर, वो आ गया। आगे तशरीफ लाइए। आपको मेरे बारे में गलतफहमी है। मुझे किसी ने मारने की कोशिश नहीं की। ट्रेन से मेरा गिर जाना सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आप मेरा केस क्लोज कर दीजिए। बैठिए। अंकल, अंकल आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटे, मैंने यहाँ की नौकरी छोड़ दी है। अच्छा, मैं तो यहाँ ड्राइंग बनाने आया था। वहाँ मुझे जीजा जी से बहुत डर लगता है। कल मुझे बहुत मारा, ये देखो। और दिखाता हूँ, ये भी देखो। इतना मारा? हाँ, दीदी को धकेल दिया, माँ जी के मुंह पर थप्पड़ मारा। क्या? चाची पर हाथ उठाया? माथा पड़ गया, बहुत सारा खून निकला। बस अभी बस, ये जुल्म ना मैं सुन सकता हूँ ना देख सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम सबको भी ले चले अंकल, नहीं तो जीजा जी हमें मार डालेंगे। मैं कैसे ले जाऊं डाबी, मैं तुम सबको कैसे ले जाऊं? तकदीर ने मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं, ना मैं रह सकता हूं ना मैं तुमको ले जा सकता हूं। सूरज टैक्सी आ गई। ओहो, बॉबी द ग्रेट भी यहां मौजूद हैं। चलो भाई जल्दी करो, वक्त नहीं है, गाड़ी का टाइम हो गया है। हरे आप। ओह डॉबी बेटे, ये तुमने क्या कर दिया, आगे देर हो रही है। बेटे ये तस्वीर तुमने बनाई है? हाँ। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? नहीं। फिर तुमने कैसे बनाई? बस यही। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इस आदमी को जानते हो? शायद। कोई शक नहीं, ये दोनों तस्वीरें एक ही आदमी की हैं। मगर ये है कौन? कुछ पता नहीं। 5 साल पहले पूर्णा नदी में इसकी लाश बरामद हुई थी, मगर डॉबी ने इसकी तस्वीर कैसे बनाई? कुछ समझ में नहीं आता। बंबई में बिना देखे ही डॉबी ने दीपक के घर की तस्वीर भी बनाई थी। और हाँ, उसने उस पेड़ के बारे में पूछा था जो उसके यहां आने से बहुत पहले कट चुका था। अच्छा, मगर इस मरने वाले से डॉबी का क्या संबंध? सो जाओ। सो जाओ। सो जाओ। सो जाओ। सो जाओ। पिछली यादों में जाओ। पिछली यादों में जाओ। यादों में जाओ। 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 Thank you.
दो, कौन हो तुम? जवाब दो, जवाब दो, बोलो, कौन हो तुम? दीपक राय। केवल, ये क्या? इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मैं आसानी से दीपक राय बन सकता हूँ। तुम्हें दौलत चाहिए? मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देता हूँ केवल। वो तो अपने आप मेरी हो जाएगी। एक माँ अपनी बेटी की रात 14 साल से देख रही है। भगवान सब कुछ देख रहा है, खून कभी नहीं छुपता। तुम चैन से नहीं रह सकोगे, एक दिन जरूर पकड़े जाओगे, जरूर पकड़े जाओगे, जरूर पकड़े जाओगे, जरूर पकड़े जाओगे। समझ ही गए होंगे ये केस रीबर्थ का है और ये बच्चा है किसी दीपक राय का पुनर्जन्म। हम कुछ नहीं कर सकते, कानून को सबूत चाहिए। सबूत मैं इकट्ठे करूंगा। इस खूनी केवल शर्मा ने जो दीपक के नाम की चादर ओढ़ रखी है, मैं उसको नोट कर फेंक दूंगा। दीपक बाबू नमस्ते। आप क्यों आए? मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? नौकरी तो खुद छोड़ दी तुमने। पछता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। आपके साई में रहकर कुछ कर सकता हूं, ये मेरी समझ में अब आया है। जब किसी ने घास नहीं डाली तब आयो। सूरज, तुम्हारी हमारी दोस्ती वो है कि आधी रात को भी आओगे तो तुम्हें रोटी कपड़ा जरूर मिल जाएगा। थैंक यू, मुझे आपसे ही उम्मीद थी। मुझे भी अपनी दोस्ती का भरम रखना है, नई लगन के साथ आया। देखना अपनी सेवा से आपको कहां से कहां पहुंचा दूंगा। सूरज, यह फाइल आज ही वकील को भिजवा दो। जी। देखे हमसे कोई कैसे जीतता है। ये क्या बदतमीजी है? Oh, I'm very sorry. रहने दो। क्या हुआ? आप घबरा क्यों गए? ये किसकी तस्वीर है? तस्वीर किसी की नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ। डॉबी के बच्चे मुझ पर बंदूक तानता है कभी नहीं। हेलो, डॉक्टर साहब है? नहीं है, मैं मिसेस दीपक राय बोल रही हूँ। जैसे वो आए उन्हें फौरन भेज दीजिए। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। डॉबी, तुम्हें कोई नहीं मारेगा,
मैं जो तुम्हारे पास हूँ तुम्हारी दीदी। मुझे मत मारो। मालूम होता है दीपक बाबू से डर गया है। आप पट्टी बदलिए मैं भी आती हूँ। अच्छा बहू रानी। मुझे मत मारो केवल, 14 साल के बाद अपने घर जा रहा हूँ। सुनिए जरा चलकर देखिए टॉबी को क्या हो गया है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है। मैं चलकर क्या करूँ, डॉक्टर को फोन करो ना। नहीं उसके दिल में आपका डर बैठ गया है, आप चलकर उसे कहिए आप उसे नहीं मारेंगे, उसका डर निकल जाएगा। जाओ मुझे परेशान मत करो। भगवान के लिए मेरे भाई पर तरस खाइए वरना उसे कुछ हो जाएगा, चलिए ना चलिए। अच्छा चल। मुझे मत मारो केवल, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। डॉबी मुझे मत मारो। करो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, चुप हो जाओ। शाबाश। देखा चुप हो गया ना, आप ही से डर रहा था। ठीक है। मुझे मत मारो केवल, केवल मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। 14 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ, एक माँ अपने बेटे की राह 14 साल से देख रही है। मुझे मत मारो, भगवान से डरो केवल। खून कभी नहीं छिपता, वो सब देख रहा है। तुम चैन से नहीं रह सकते, एक न एक दिन जरूर पकड़े जाओगे, जरूर पकड़े जाओगे, जरूर पकड़े जाओगे, जरूर पकड़े जाओगे। क्या हुआ दीपक बाबू, तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ बोलिए, कुछ तो बोलिए ना। कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ये वो चक्कर सा आ गया था, कुछ घबराने की बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ किशोरी लाल जी, टॉबी कैसा है? अब तो ठीक है, लेकिन रात भर सब परेशान थे, न जाने क्या बड़बड़ा रहा था। केवल मुझे मत मारो, केवल मुझे मत मारो। दीपक तो वहां नहीं था? क्यों नहीं थे, उनकी तो हालत खराब हो गई, वही ढेर हो गए। ये तो गजब हो गया। इसका मतलब है दीपक को भी डॉबी का राज पता चल गया। कैसा राज? पिताजी ये मैं आपको अभी बताता हूँ। दर्शन हम लोगों को बहुत संभल कर काम लेना होगा, अब तो हमारी स्कीम और डॉबी की जान दोनों खतरे में है। सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए, कहीं से भी आ सकता है। गौरव जी ले जाओ साहब को यहाँ से। हाँ जी। नर्स तुमने मेरे भाई की जान बचाई है, जान की कीमत तो क्या दे सकूंगी, फिर भी इसे रख लो। थैंक यू, बहन की तरफ से इनाम मिल गया, अब जीजा जी की तरफ से ये घड़ी अच्छी रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉबी की जान से बढ़कर ये घड़ी थोड़ी है, ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात आपकी तरिया दिली का। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, भगवान जाने कौन सी बला इसके पीछे पड़ गई है जो इसकी जान लेने के बहाने ढूंढ रही है। इसकी आई मुझे आ जाए, मैं अब अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी, ये अब मेरे पास ही रहेगा।
सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया, दोबारा टेलीफोन करो। अगर बचा सकता मैं माँ को नहीं बचाता, डॉबी को छोड़ देता, हम कुछ नहीं कर सकते। गम में हुस्न कैसा निखर आता है, काश हसीनों के भाई रोज मरा कर। ये भीगी भीगी आंखें बिन मांगे दावत दे रही हैं। आज तो तुम्हारे बदन से बाहरों की खुशबू फूट रही है। मेरे भाई की चिता भी ठंडी नहीं हुई और तुम्हारी हवस भड़क उठी। दूर मत जा मेरी जान, मस्ती की इन घड़ियों में सारा गम घुल जाए। मेरा गम तो छोड़ो, तुम्हें अपनी माँ के मरने का भी दुख नहीं? तुम इंसान हो, जानवर दरिंदे? वो आप कैसे से भाग कर कहाँ जाएगा? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कह रही है मेरी रानी? क्या हुआ? छोड़ो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ, 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 ये सब क्या है? तुम लोग बचे कैसे माँ? मैं बताता हूं, जिस रात ये घटना हुई उस रात चंद घंटे पहले दर्शन और मैं तभी से हमने चाची और डॉबी को इस तहखाने में छुपा कर रख दिया और इस तरह दीपक की डॉबी को मार डालने की स्कीम को उसकी नजर में हमने कामयाब बना दिया, ताकि डॉबी के सिर से मौत का खतरा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये सब कुछ दीपक ने किया, लेकिन लेकिन दीपक डॉबी को क्यों मारना चाहता है? इसलिए कि दीपक दीपक नहीं, केवल शर्मा है। केवल शर्मा? हाँ, केवल दीपक का खून करके खुद दीपक बन बैठा
और डॉबी है असली दीपक का पुनर्जन्म। आ गई? तुम तो चली गई थी ना? आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? ये लीजिए, आपके लिए जूस लाई। वाह, भारत की नारी का जवाब, गाली भी देती हैं और पूजा भी करती हैं। अब तो अपने हाथ से पिला दो, सारा गिला जाता रहेगा। कैसा गिला, कैसी शिकायत, अब तो आपकी गर्दन होगी और मेरी पाही। आज तो बड़े मूड में हो, जरा करीब आ जाओ, ऐसा मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा तो छोड़िए ना। अरे अच्छी बात है, पेंटिंग बहू रानी। अरे ये तो बिल्कुल उसी जलते हुए घर की तस्वीर है जिसमें डॉबी बाबा के प्राण हैं और बनाए हुए भी डॉबी बाबा के। लेकिन ये कैसे हो सकता है मलिन जी? हो सकता है बहू रानी, कहते हैं जो इस तरह जल के मर जाते हैं उनकी आत्मा आसपास भटका करती है। बकवास बंद करो किशोरलाल, कोई आत्मा वत्मा भटका नहीं करती। फिर कभी आत्मा का नाम लिया तो याद रखना, आत्मा भटका करती है। अप्सरा क्लब में आपका टेबल रिजर्व हो गया। ओह ठीक है, ये मार्केट वाली बिल्डिंग के पेपर्स। इस बिल्डिंग का काम शुरू हो गया? शुरू हो गया? काम खत्म हो रहा है। ओह गुड गुड गुड। आपके सिग्नेचर्स चाहिए। कहां पे? यहां पे। ये रही आपकी सिगरेट। थैंक यू थैंक यू। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। परेशान? नहीं तो बिल्कुल नहीं, कोई परेशान नहीं। जाओ अपना काम करो। सूरज तुम रू आत्मा ये मानते हो? मैं तो मानता हूं। मैं नहीं मानता। इस जमाने में जबकि इंसान चांद पर पहुंच गया है, रू आत्मा ये कौन मान सकता है? मगर आज आप रू आत्मा इन सब की बात क्यों कर रहे हैं? कहीं आपने कुछ देखा क्या? मैं भला क्यों देखने लगा? रू आत्मा का मुझे क्या डर, सब बकवास है। जाओ अपना काम करो। Sit down, sweetheart. Good evening, Mandel. Good evening, sir. Good evening. भाई आज प्रोग्राम क्या है? आज आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। एक नई पार्टी आई है, बिल्कुल नया कैबरे। Very good.
दौलत दादा दा दौलत हासिल करने के लिए पाप धोखा हो छल परे खून। लेकिन जब तूने कुछ न किया क्यों डरा डरा सा है दीवाने क्यों डरा डरा सा है क्यों डरा डरा सा है दीवाने क्यों डरा डरा सा है जब तूने कुछ न किया क्यों डरा डरा सा है दीवाने क्यों डरा सा है क्यों डरा डरा सा है दीवाने क्यों डरा सा है वैसे तो सब कुछ देखा है दुनिया की महफिल में लेकिन कोई भी जाने ना किसके क्या है दिल में कौन भला यहाँ कौन बुरा है हाथी है कौन यहाँ किसको पता है कौन भला यहाँ कौन बुरा है हाथी है कौन यहाँ किसको पता है चेहरे का तेरे क्यों रंग उड़ा है जब तूने कुछ न किया क्यों डरा डरा सा है दीवाने क्यों डरा सा है क्यों डरा सा है दीवाने क्यों डरा सा है खूनी तो खूनी है एक दिन पकड़ा ही जाएगा जो तोड़ा तूने फिर वो फिरा है दिया बुझाया था जो फिर वो जला है खून जो तोड़ा तूने फिर वो फिरा है दिया बुझाया था जो फिर वो जला है तेरा ही कार तेरे सामने खड़ा है Thank you.
सपना तो नहीं देखा? हाँ, हाँ, सपना देखा। कमबख्त ये सपने भी चैन से सोने नहीं देते। रात बहुत बीत गई है। चलो जा सो जाओ, 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 जा सो जाओ। लाइट, लाइट जल्दी रहने दो। मगर आपको तो लाइट में नींद नहीं आती। हाँ, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, बंद कर दो। केवल शर्मा? हाँ, आपका नाम तो दीपक राय है ना? हाँ बिल्कुल दीपक राय, दीपक राय बिल्कुल। लेकिन केवल शर्मा क्यों साइन करती? क्या कहते हो? गया है आपके दिल में? चलिए अंदर चलिए। चलो you
याद है ट्रेन में चाकू से मारा था। और दूसरी बार? हाँ, दूसरी बार ही मारा था जरा, लेकिन मुझे माफ कर, मुझे छोड़ दो। शाबाश डॉबी, आखिर हमारी स्कीम कामयाब हो गई। स्कीम? स्कीम? मैं आत्मा नहीं हूँ, डॉबी हूँ। डॉबी? तो क्या देखते हो, इसमें भी दीदी ने नकली गोलियां बोली। और इस टेप में तुम्हारा एक पहले जुर्म रिकॉर्ड हो चुका है। हैंड अप। ये लो 10,000 रुपए। देखो वो आदमी जो जीप में आ रहा है हमारा पीछा ना कर पाए, उसे रोको, समझे? तो मैं गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं पिस्तौल फेंक दो, पिस्तौल फेंक दो नहीं तो बच्चे को मार डालूंगा। फेंक दो, मैं कहता हूं फेंक दो। अब टेप निकालो, जल्दी करो, टेप निकालो, जल्दी करो। Thank you.
देखिए आपका दीपक लौट आया है, इसे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम करो बेटा। सूरज, मैंने अनजाने में रेखा को तुमसे छीन लिया था, आज वही रेखा मैं तुम्हारे हाथों सौंपती हूँ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे।